आकाश अकाउंट में 1 करोड़ रुपये डालना। कैसे खड़ी है यहाँ पर, क्या प्रॉब्लम, क्या है आपको प्रॉब्लम, क्या है भाई, कितनी महंगी गाड़ी है और तू उस पर ऐसी टेक लगाए खड़ी है। तो महंगी कार है तो क्या हुआ, मैंने टेक ही लगाया है, मैंने कोई आपकी कार को खाने गई हूँ। अरे एक तो गलती ऊपर से सीना चोरी है, क्या तरीका है, कैसे व्यवहार कर रहे हो तुम दोनों मेरे साथ, और तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी गाड़ी पे ये गंदा सा झोला रखने की। आपको पता है उसमें क्या है, क्या है उसमें, तेरे गंदे कपड़े होंगे और मेरी गाड़ी को भी गंदा कर दिए अपनी तरह। आपकी शक्ल गंदे है, आपकी सोच गंदे है, ना कि उसमें गंदे कपड़े हैं। मेरी शक्ल गंदी है, देख क्या है, तेरा मुंह इसी से साफ करती हूँ, मेरी शक्ल गंदी है, खुद की शक्ल देख। बदतमीजो कहाँ से उठ के आ गए हो, तू उठ के आई है, बताऊँ बदतमीज क्या होता है, बताऊँ बदतमीज क्या होता है, ये क्या तरीका है, भांग भांग पी रही हो क्या तुम दोनों। अरे भांग तो तू पी के आई है, तभी तो किसी और की गाड़ी के सामने खड़ी हो गई है, सेल्फी ले रही है। अभी तक हमने इस गाड़ी को चलाया नहीं है, जवान सवाल मैंने कोई सेल्फी वेल्फी नहीं लिया, ठीक है, तेरी उंगली पकड़ के तोड़ दूंगी मैं, समझी, मुझे उंगली मत दिखाना। ऐसे नहीं, ऐसे ना पुलिस की उंगली नहीं, यूं मोड़ दे। ये क्या तरीका है, हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को धक्का देने की। अब तो मैंने धक्का ही दिया है, अगर तुम दोनों ने ऐसे ही व्यवहार किया ना तो पुलिस को बुलाऊंगी। अरे तू पुलिस को बुलाएगी, एक गांव वाली तबेले से उठ के आई हुई पुलिस को बुलाएगी, तुझे पता है मेरे पापा यहाँ के कितने बड़े बिजनेसमैन है, 1 मिनट नहीं लगेगा पुलिस वाले उनके ना पैरों में होंगे, समझी। अरे बड़ी जवान चलाने वाली, निकल यहाँ से, चल। क्यों निकल लूं, मैं नहीं निकल रही। अरे बड़ी बदतमीज है, कुछ समझ नहीं आ रही क्या, ऊपर जवान 2 मिनट में ना काट के फेंक दूंगा और तेरी लाश कभी नहीं पता चलेगा, समझ आ रहा है तुझे, बदतमीज। हाँ तो ठहर गई है, बदतमीज, तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम दोनों को पता नहीं मैं कौन हूँ। छोड़ूंगी तो मैं नहीं तुझे, यहाँ से जिंदा बच के जाएगी तब तू कुछ करेगी ना, जिंदा तो तुम दोनों नहीं बचोगे, बहुत ज्यादा अकल है ना अपने बाप का, बहुत है, क्योंकि मेरा बाप इतना पैसे वाला है ना कि सारे उसके पैरों में होते हैं और मेरी जुत्ती के नीचे, समझी। तुम दोनों को नहीं पता कि मैं हूँ कौन, अगर पता चल जाएगा ना पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। मेरे पैर को नीचे जमीन ही नहीं है, खिसक गई। क्या डीसी की औलाद है क्या तू, है जो इतनी अकड़ दिखा रही है, जिस कार की घमंड है ना मैं खड़े खड़े खरीद सकती हूँ, इतना पैसा है मेरे पास। ओ, हम तो डर गए है ना, तेरे तो ये झोले में कुछ गंदा कपड़े भी नहीं है, मेरे को लग रहा है इसमें ना करोड़ों रुपए होंगे, है ना। हाँ है, है, दिखाऊं, ये देखो, देखो जिंदगी में कभी इतने पैसे नहीं देखे होंगे, और इस कार की घमंड है ना तुम दोनों को, ये कार अब से मेरी हुई, सारे पैसे छोड़ लो, और चाहिए अकाउंट में डलवा दूं। कौन से लगी तू इतना पैसा, चुरा के लाई है ना, सच सच बताइयो, है ना। और तेरे पास इतना महंगा फोन भी था, किसी का चोरी किया होगा। हाँ मैडम चोरी किया है, क्योंकि गांव की जमींदार हूँ ना, जमींदार का नाम तो सुना ही होगा, 70 किला की मार्केट हूँ, जमींदार। साढ़े दो क्या बोले थे, सही से बदबू आ रही है। हाँ अगर किसान ना अनाज ना उपजाए ना तो तुम दोनों भूखे मर जाओगे, पैसे खाओगे, किस बात की घमंड है। तुम शहर वाले ना, तुम शहर वालों की ना औकात नहीं है गांव वालों के सामने। अरे सांस भी लेते हो ना, किस्तों पे लेते हो ये गाड़ी, किस्तों पे लिया होगा, और सेकेंड हैंड है, नहीं नहीं है, इतना अगर किसी का पाल रखे हो। मेरे बाप पे बहुत ज़्यादा कमेंट है ना, तुम्हारा बाप बिजनेस मैन होगा, कितना कमा लग जाएगा, अरे वो कितना ही बचा सकते हैं, लेकिन एक जमींदार ना बहुत ज़्यादा पैसा बचाता है, 70 किला चुना भी नहीं होगा। पता है किसानों की पूरी प्रॉफिट होती है, क्योंकि किसान ना तुम लोग की तरह दिखावा की ज़िंदगी नहीं जीते। तुम शहर वाले क्या हो, लैपटॉप भी EMI भी लेते हो, कार भी, घर भी, हर चीज़ तुम लोगों की EMI पे होती है। इवन तुम लोगों की जो ज़िंदगी है ना वो भी किस्तों पे ही चल रही है, सांस भी किस्तों पे ही ले रही है। तुम दोनों ना निकल जाओ यहाँ से, 2 बजे पुलिस को बुला लूँगी ना तो बहुत बुरा सीन हो जाएगा, निकल जाओ।